Hello students, welcome to our YouTube channel Vidyasabha News, and this video is presented by Srimati Shantaben Haribhengacharya English Medium School. In the previous video session we have discussed about chapter number 3, but in this video session we are going to discuss about chapter number 4, that is Enjoy the Seasons. यहाँ पे सीजन्स के बारे में आपको बता दूँ, काफ़ी मेन थ्री सीजन्स होते हैं हमारे, जो है विंटर, समर और मानसून। तो एक्टिविटी नंबर 1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन किया कि नेम 2 फ्रूट्स यू लाइक, यानी कि फर्स्ट में आपको जो 2 सबसे ज़्यादा पसंद फ्रूट्स है वो लिखने हैं। नेम 2 वेजिटेबल्स यू लाइक, आपको 2 सबसे ज़्यादा कौन से वेजिटेबल्स पसंद है उसके नेम्स लिखने हैं। और थर्ड में नेम 2 थिंग्स यू लाइक टू ब्रिंग इन योर लंच बॉक्स, आपको ऐसी 2 चीज़ें लिखनी है, 2 खाने के बारे में ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको अपने लंच बॉक्स में अच्छी लगती है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 भी आपको पोएम है जो आपको अपने क्लासरूम में डिस्कस करनी है। तो एक्टिविटी नंबर 3 है, उसमें आपको पिक्चर्स दिए काफ़ी सारे। फर्स्ट वाला है जो समर का पिक्चर है, जिसमें बेसिकली हॉट डे होता है और लॉन्ग डे होता है, यानी कि काफ़ी गर्मी के दिन होते हैं समर में और लंबे दिन भी होते हैं। विंटर में विंटर का पिक्चर है, जिसमें काफ़ी सारे लोग फायरवुड के अकॉर्डिंग आजू बाजू बैठे हैं, ठीक है, चाय पी रहे हैं। तो बेसिकली विंटर के सीज़न में काफ़ी ठंड होती है और दिन काफ़ी छोटे होते हैं। और मॉनसून है, उसमें देर आर 2 चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन द रेन विद द अम्ब्रेला, यानी कि 2 हम पता ही है कि मॉनसून में काफ़ी सारी बारिश आते हैं, उसमें डेज और नाइट होती है वो अकॉर्डिंगली सेम होती है। तो एक्टिविटी मैच ए विथ बी, यानी कि आपको यहाँ पे मंथ्स दिए हैं 12 मंथ्स, और उसके बाजू में आपको बी में जो है वो सीज़न के नेम्स लिखने हैं, यानी कि जनवरी में कौन सी सीज़न होते हैं, फरवरी में कौन सी होती है, मार्च अप्रैल में, जो भी महीने में जो भी सीज़न होती है वो आपको यहाँ पे मैच कर देनी है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 है, यानी कि हमें पता ही है कि सीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ में फ्रूट आता है, जैसे ही आम हमारे समर में आती है, ठीक है, वैसे ही वाटरमेलन है वो समर में आता है। तो काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल है जिसकी एक प्रॉपर सीज़न होती है। तो यहाँ पे आपको समर में आने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेपरेट करना है, मानसून में आने वाले जो फ्रूट और वेजिटेबल्स है उनको सेपरेट करना है, और विंटर में आने वाले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको भी सेपरेट करना है। तो आपको यहाँ पे ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, बनानास, एप्पल्स, वाटरमेलन, कैरट, केबेज, लेमन जूस, टी, आइसक्रीम, कैप्सिकम, ब्रिंजल्स, टोमेटोज, पाइनएप्पल्स, ठीक है, आपको सीजन्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है उसको सेपरेट कर देना है। एक्टिविटी नंबर 5 में आपको पिक्चर दिया है जिसपे कब कौन से कपड़े आपको पहनने चाहिए। सबसे पहले जो आपको दिया है वो कैप, मफलर, ग्लव्स, स्वेटर, जो हम बेसिकली किस में पहनते हैं, यस विंटर में पहनते हैं। उसके बाजू में आपको रेनकोट्स दिए हैं, प्लास्टिक के कपड़े दिए हैं, बिग शूज़ दिए हैं, वो जिसमें हम कब पहनते हैं वो हम मानसून में पहनते हैं, ठीक है। जिसके नीचे आपको काफ़ी लाइट वेट कपड़े दिए गए हैं, ठीक है, हाफ पैंट है, कुर्ता है, सुतरा कापड़ के बने हुए जो क्लोथ होते हैं वो हम कब पहनते हैं, समर में पहनते हैं। फिर नीचे वाला जो आपको है वो फ्रूट और यानी सॉरी आइटम्स भी है, वो कब खाते हैं हम, कौन सी सीज़न में खाते हैं वो दिखाया गया है। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रीनी लीव्स वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि जो हरे रंग के होते हैं, वो विंटर में आते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखते हुए जो बैग कैबेज है, ब्रिंजल है, और बेसिकली जो वो है विंटर के फ्रूट्स सॉरी वेजिटेबल्स है। फिर टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज है, कैप्सिकम्स है, टी है, वो भी वो मानसून के होते हैं। और यहाँ पे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और लेमन जूस वो हम मानसून में पीते हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 6 भी अगेन यू है गिवन अ पोएम जो स्प्रिंग के बारे में बताती है, समर है, ऑटम, विंटर वो कैसी होती है वो आपको बताया है।
एक्टिविटी नंबर 9 में आपको दिया है कि विंटर में आप क्या पहनते हो, स्कार्फ पहनते हो, मफलर पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, ठीक है, सॉक्स पहनते हो, तो क्या क्या चीज़ें पहनते हो वो लिखना है। समर में आप क्या करते हो, आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, लाइट वेट कपड़े पहनते हो, फिर लेमन जूस पीते हो, उसके बारे में लिखना है। और मॉनसून में क्या करते हैं हम, यूज़ अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, कैप यूज़ करते हैं, रेनकोट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना होता है। फिर एक्टिविटी नंबर 10 अगेन यू हैव गिवन अ पोएम, ठीक है, रेन के बारे में है बताया गया है, सन के बारे में बताया है, विंड के बारे में बताया है, और क्लाउड्स के बारे में बताया है। तो वो दो तीन लाइन में डिस्क्राइब किया है रेन को, सन को, विंड और क्लाउड्स को, तो उसको भी काफ़ी अच्छे पोएम है, उसको भी आपको क्या कहाँ पर डिस्कस करना है अपने क्लासरूम में डिस्कस करना है। So we are ending off now. I hope you found this video very helpful. If you have any kind of doubts regarding this video session, you can comment us down in comment section. Thank you. Hello students, welcome to our YouTube channel Vidyasagar News, and this video is presented by Srimati Shantaben Haribengacharya English Medium School. In the previous video session, we have discussed about chapter number 3, but in this video session, we are going to discuss about chapter number 4, that is enjoy the seasons, ठीक है, यहाँ पे seasons के बारे में आपको बता दूँ, काफ़ी main 3 seasons होते हैं हमारे, जो है winter, summer और monsoon। तो activity number 1 में आपको first question किया कि name 2 fruits you like, यानी कि first में आपको जो दो सबसे ज़्यादा पसंद फ्रूट्स है वो लिखने हैं। नेम टू वेजिटेबल्स यू लाइक, आपको जो सबसे ज़्यादा कौन से वेजिटेबल्स पसंद है उसके नेम्स लिखने हैं। और थर्ड में नेम टू थिंग्स यू लाइक टू ब्रिंग इन योर लंच।